मंत्री ने सहमति जताई, ये प्रस्ताव हम जल्द ही दिल्ली भेज देंगे, ये उत्तर प्रदेश से सिर्फ प्रस्ताव भेज सकते हैं, यहां से हम काम नहीं कर सकते। हमने कहा प्रस्ताव तो भेजना है, आप महोदय भेज रहे हैं, आप भी थोड़ा जोर लगाओ, हम भी थोड़ा जोर लगा रहे हैं, दिल्ली से भी ये एसटी में शामिल हो जाए, ताकि ये थाने पर सिपाही नहीं बन पाते हैं। जिस दिन एससी एसटी में शामिल हो जाएंगे, उसी दिन शिक्षा में ये ऊंचे पर बड़े पैमाने पर शिक्षा हासिल करेंगे और थाने पर सिपाही दरोगा भी बन के आना शुरू हो जाएंगे। इस बात को लेकर मिला दूसरा काम था, भूमाफिया के नाम पर तमाम गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित जो दशकों से 50 साल 60 साल 70 साल से छत बना करके जीएस बंजर आबादी की जमीन में बसे हैं, वो बसे हैं और गांव में प्रधानी के गोलबंदी के नाते दरखास्त देकर के उस बेचारे का घर गिराया जा रहा है। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इस बात को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में इस तरह का अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले आदेश दे चुका हूं कि किसी भी भूमिहीन को तब तक न गिराया जाए जब तक उसको बसने की व्यवस्था न करा दिया जाए। हमने कहा कि नहीं, ये मेरे पास 14 सबूत है और 14 भूमिहीन है, इनके मकान गिरा दिए गए। तुरंत उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी अपने प्रमुख सचिव बुला करके हमारे सामने कहा कि देखो कल ये बात मेरे सामने न लेकर के ओम प्रकाश राजभरा में, इस नाते कि ओम प्रकाश राजभर कभी झूठ नहीं बोला, ये जब भी बोलता है तो सही बात हमारे सामने ला करके खड़ा होता है। ये दो बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव भेजने की बात और भूमाफिया के नाम पर गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को रोकने के लिए डीजीपी ने आदेश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले में ओम प्रकाश राजभर का रथ जा रहा है, इस रथ को कहीं खरोच नहीं आनी चाहिए। मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लैपटॉप बनाना, टेलीविजन बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय पढ़ना अनिवार्य। कक्षा 4 से अगर ये तकनीकी शिक्षा रोजगार परक शिक्षा लागू हो जाए, जो बेटा बेटी 4 साल 5 साल 6 साल मोबाइल बनाना सीखे और पढ़े, तो बताओ स्कूल छोड़ते छोड़ते मोबाइल बनाना सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? सीख लेगा तो बेकार रहेगा, उदरहा में गुमतियों रख के बैठेगा, तब वो 500 तो लहा ही लेगा। हाँ बोलो, लहा लेगा कि नहीं लहा लेगा? आज इतनी मोटरसाइकिलें हैं, साइकिल अब खत्म होती दिख रही है सड़कों पर, बड़े पैमाने पर मोटरसाइकिल दिख रही। कोई नौजवान, कोई बेटा बेटी अगर मोटरसाइकिल बनाना 5 साल 6 साल 4 साल सीखे और उसको पढ़ाया जाए, तो बताओ मोटरसाइकिल बनाना सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? इस नाते एक विषय अनुवाद किया जाए और कक्षा 4 से रोजगार पर शिक्षा तकनीकी शिक्षा देश में लागू जब तक नहीं होगी, तब तक बेरोजगारी चरम पे बढ़ती रहेगी। इसको लागू करो और बेरोजगारी कम करने का प्रयास करो, ये हम इस नाते घूम रहे हैं साथियों। आप बताओ ये शिक्षा लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन देखो आगे का खेल देखो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का बैंक है, बहुत रुपया है इसमें, अगर आप लोगों को भी रुपया चाहिए तो हमसे बताइएगा। आरबीआई में बहुत रुपया है, इस बैंक से जब बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति लोन लेते हैं, कोई 1000 करोड़, कोई 1500 करोड़, कोई 2000 करोड़, जब वो पैसा नहीं दे पाता है तो सरकार से कहता है कि हम बीमार हैं, हमारा कर्जा माफ कर दो। 1,00,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो गया, तो उसी तरह हम भी तो चाहते हैं कि अगर गरीब कमजोर बीमार हो, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगे, अगर उद्योगपतियों को रुपया कर्जा माफ हो सकता है आरबीआई का, तो आरबीआई के पैसे से गरीबों का भी इलाज फ्री में होना चाहिए देश में, ये कानून बनना चाहिए। और आगे चलो, यहाँ जितने लोग आए हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान होते, हाथ उठाओ। सब लोग परेशान हो, यही सब घूमत है। ये देखा
दाव तो लगाए लेकिन दाव हमारे का बिगड़ी है। दाव तो हम लोग लगाए, दाव लगा होता ना तो बता तो ना हो कि अखिलेश जी का कालर तो पकड़ ही लेता, चाहे कुछ होता। इसको करो, बहुत भाषण मारे हैं, लेकिन दुर्भाग्य सरकारें नहीं बनी भाई। हम चाहते हैं कि सब लोग देखो, आप घबराओ नहीं, पार्टी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? कल तक इसी बस्ती में लोग कहते थे इका जीती, पहला खाता खुला था लक्ष्मी जी जीती थी जिला पंचायत, यही कहीं होगी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। लक्ष्मी राजभर जी पहली बार जिला पंचायत यहाँ जीती। इन्होंने हमसे कहा जब मैं इनके यहाँ गया एक दिन रात को रुका, तो इनके पति मनोज राजभर जी यही कहीं होंगे ये है। इन्होंने कहा कि साहब बस्ती में एमएलए कभी बन सकते हैं, हमके आपकी पत्नी अगर जिला पंचायत बन सकती है तो ओम प्रकाश राजभर पर भरोसा करो, हम एमएलए भी बना करके आपको देंगे। और आज आपके बीच में माननीय बुधराम जी हैं, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। मैं तो इस मंडल में तीन विधायक देना चाहता था, तीन विधायक देता, लेकिन शिकार हो गया समाजवादी पार्टी का। यही अगर हम लोग सूझबूझ से काम नहीं लिए होते तो हमको शिकस्त देने के लिए डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था। मालूम है कि नहीं मालूम है? डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था, लेकिन जबरी हम लोगों ने कहा कि नहीं, टाइम नहीं है, इनको ये भी फार्म दो, इनसे कहो जाके फार्म भरे, जो होगा हम अखिलेश से हम दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। उसी समय कह दिया और भेजवा दिया, आखिरी टाइम में आकर के पर्चा अपने भरा। उसी तरह आपके है सर, इसको धनगता कहते हो, हम लोग जिसको चाहते थे, वहां के लोग जिसको चाहते थे, लेकिन बाहर अखिलेश जी वो चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को जो सीट दी जा रही है ये जीत के न आवे, नहीं तो बहुत लड़ेगा हमसे, ये उनको भय सता रहा था। आप बता बगल में बस्ती में, अरे आपके सिद्धार्थ नगर, आपके तीनों मंडल में तीन सीट मिली थी, लेकिन तीनों हमको हरवाने के लिए लगे थे। आप चले जाओ, अब जहां जहां हमको सीट मिली तहां तहां ऐसे ऐसे कैंडिडेट दिया, उन्होंने तय किया था कि भाई हम कैंडिडेट हमारा होगा, सिंबल आपका। हमने कहा कि चलो भाई, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाना जानते हैं, ये भी मैं जानता हूं। और अभी तक गिनती नहीं थी, अभी तक गिनती नहीं थी, जब माननीय दूधराम जी जीत के गए तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूछा कि कैसे जीत गए, तो इन्होंने कहा कि भारतीय समाज पार्टी की देन है कि हम लोग चुनाव जीत करके आए, इन्होंने कहा। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि वहां कहां वोट है, तो हम आज आए हैं सावधान यात्रा के माध्यम से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने। यहां जितने जरा राजभर भाई हो तरह हाथ उठा दो, तो अगर दिखता हो समाजवादी पार्टी के नेताओं जो सवाल करते थे हमारे विधायक से, देख लो भी भ्रम होगा कि कहीं बलिया से नहीं आया है ना। दोबारा हमारी बात ध्यान से सुन लो, जो लोग बस्ती जिले के हो, जो लोग बस्ती जिले से आए हो, वही लोग हाथ उठाओ जरा, जो बस्ती जिले से, बस्तिया जिले से ना। हमारे पत्रकार भाई भी लोग परेशान होंगे कि कहीं नेता बक्सा में भर के ले आता होगा, छोड़ देता होगा जादू की तरह, और लोग बैठ जाते होंगे सीट पर। ऐसा नहीं, आप देखिएगा, सोशल मीडिया का जमाना है, इसी 2 तारीख को रहूंगा आगरा, इससे बड़ी सभा होगी। 10 तारीख को रहूंगा मैनपुरी, मैनपुरी की तैयारी अभी विधायक जी को दिखा रहा था, इन्होंने कहा कि तो बड़ी तैयारी हो रही है, हमके अभी 10 तारीख को है। 17 तारीख को रहूंगा फिरोजाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में वो आग फैल गई है साथियों, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ये आग फैला दिया हूं। और आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों देखो, हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं बेचारे, ये ड्यूटी करते हैं 18 घंटा, 20 घंटा, 16 घंटा, और तनख्वाह पाते हैं 8 घंटा का। 95 विभाग है उत्तर प्रदेश में, और 94 विभाग में 8 घंटा ड्यूटी है, और खाली पुलिस विभाग को ड्यूटी जो है 16 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा। अभी कहीं दंगा हो जाए तो वही, अभी कोरोना में सब घरों में बंद, लेकिन सड़क पर के रहा पुलिस, लेकिन सरकार और नेताओं को नहीं दिखाई दे। नेता लोग तो पहले ही बिस्तर हो गए, इनको नहीं दिखाई देता है।
जब नेताओं की तनख्वाह बढ़ानी होती है, निधि बढ़ानी होती है, तो पहले ही हाथ उठा देते हैं स्पीकर के बोलने के पहले। लेकिन जब इनके पुलिस की समस्या के संबंध में सवाल जब होता है, जब ओम प्रकाश राजभर सदन में सवाल करता है, तब हाथ नहीं उठता है, तब हाथ नीचे कर लेते हैं। इस नाते साथी हम लोगों ने तय किया है, जय घंटा जो ड्यूटी करेगा उसको तय घंटा की तनख्वाह देने का कानून सरकार बना करके हम लोग करने का काम करेंगे। एक भी थाना आप बता दो बस्ती में, 1471 थाने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, एक भी थाने पर साइकिल नहीं है कि है मोटरसाइकिल। विधानसभा में जब मैंने सवाल उठाया तो 200 रुपया साइकिल अलाउंस मिलता था, तो मुख्यमंत्री जी से जब थोड़ा गर्मी गर्मा हुई तो 100 रुपया बढ़ाए, अब 300। अब बताओ 27 दिन का रुपया कहां से आई तेल लेकर, है कि नहीं है? तब जब आप दरखास्त लेके जाते हो तो जानते हो क्या होता है, अब गाजीपुर का सिपाही दरोगा गाजियाबाद ड्यूटी करेगा, आपके बलिया का बांदा ड्यूटी करेगा, गोरखपुर का गाजियाबाद। इस नाते हमने तय किया कि देखा पढ़ा पता लगा बांदा से छुट्टी मिलती है 3 दिन 4 दिन, 1.5 दिन आने में 1.5 दिन जाने में, 1 दिन परिवार में रहते हैं, अब गुस्सा के जाते हैं तब तक दरखास्त लेके आप पहुंच जाते हैं, है ना? स्वाभाविक है गुस्सा का होना। अब वो गुस्साते हैं तो आप सोचते हो कि ये हमको क्यों गुस्सा रहे हैं। इस नाते मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, अब उसके बाद अब वो गुस्सा में 2-4 झापड़ लगाऊ देते हैं, सही बात बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब क्या करें, उनकी मजबूरी है, लेकिन 3 स्टेट, बगल का स्टेट है, 3 स्टेट में बॉर्डर सीमा खत्म है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने बॉर्डर सीमा लगाया था, घबराओ नहीं, सरकार नहीं बनी, सरकार बना करके बॉर्डर सीमा यूपी में भी खत्म करके ओम प्रकाश राजभर दिखाएगा। वो अपने बगल के इलाके में रहे ताकि छुट्टी मिले 4 दिन, तो 4 दिन अपने परिवार में रहे और वहां से खुशी खुशी आवे थाने पे बैठे, तो आप दरखास्त लेके जाओ तो खुशी खुशी आपकी दरखास्त ले, ये ओम प्रकाश राजभर चाहता है। और 300 रुपया साइकिल अलाउंस नहीं, बंद करूंगा, 300 नहीं 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस दिलाने का काम अगर कोई करेगा उत्तर प्रदेश में, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकलाल नेता पैदा नहीं। इतनी बीमारी हम जानते हैं, जब नेताओं की तनख्वाह बढ़ानी होगी ये हाथ उठा देंगे, नेताओं को और चीज चाहिए तो हाथ उठ जाएगा, वह पही का बाजा बज रहा, घबराओ नहीं, ऐसा ही बाजा पूरे देश में बजेगा, आप देखते जाओ काम। तो हम लोगों की जो चाहत और सोच है, हमारे पुलिस विभाग के साथी हैं, इनके भोजन भत्ता हो चाहे वर्दी भत्ता हो, ये अपनी तनख्वाह से मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, बारे सरकार अब अपनी तनख्वाह से मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। मैं तो सदन में भी कहा और बार बार कहता रहूंगा जब भी मौका मिलेगा कि भाई इतना बड़ा अन्याय पुलिस के साथ मत करो, जब कोरोना में नेता घर में दुबका था तब हमारा ये सिपाही सड़क पर खड़ा होकर के हमारी सुरक्षा कर रहा था, उसके विषय में जरा सोचो, दर्द देखो उनका, उनके परिवार के लोग मना करते थे कि तुम सड़क पर हो, हम लोग घर में हैं, कोरोना आएगा, क्या मेरी ड्यूटी है, मैं क्या करूं, मैं तो सर्विस में लगा हूं। इस नाते कहता हूं साथी कि दर्द होता है नेताओं की कथनी और करनी में। इस नाते हमारे पत्रकार भाई हैं, आज तक बहुत आयोग बन गया लेकिन कोई नेता पत्रकार आयोग पर सवाल नहीं खड़ा करता, आज जरूरत है इनके फोरम में भी पत्रकार के साथ कोई भी अन्याय हो तो अपने फोरम पर जाकर के पत्रकार आयोग के पास जाकर के अपनी समस्या का समाधान करें। हमारे फोटोग्राफर साथी हैं, दुर्घटना हो जाती है कोई योजना नहीं, तो हम चाहते हैं दुर्घटना बीमा हमारे फोटोग्राफर साथियों का भी होना चाहिए। आप बताओ ये लड़ाई कितने लोगों को सही लग रही है, हाथ उठाओ, सही लग रही है ना? तो जो जहां बैठा वहीं खड़ा हो जाओ।